वेलकम टू ऑल। एक बार फिर हम और आप साथ साथ हैं और आज हिंदी रीडर यानी हिंदी पाठमाला में हम पार्ट दो नन्ना मित्र, पार्ट दो नन्ना मित्र एक बहुत ही अच्छी और कहानी है। ये मैं सोचती हूँ कई बच्चों ने इसको पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, या इसको पढ़ा नहीं तो इसको सुना ज़रूर होगा। चूहे और खरगोश की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आप सब मेरे साथ हिंदी जो हमारी नई वसुधा है, हिंदी नई वसुधा है, इसमें आप पेज नंबर निकालिए 9 पे, पार्ट दो नन्ना मित्र। एक घना जंगल था, उसमें एक चूचू नाम का चूहा रहता था। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और बलवान शेर भी था। उसके तेज नुकीले दांत थे, लंबी लंबी मूछें थी, गर्दन पर भी बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो जंगल का राजा था। जब भी उसे भूख लगती तो किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। सभी जानवर उससे डरते थे। अब क्या हुआ कि आपको सबको पता है शेर जो है सबसे बलवान जानवर है ना, जंगल का राजा उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे भी क्या बताया, एक घना जंगल था, उसमें एक चूचू नाम का छोटा सा चूहा रहता था। चूहा देखा है ना सबने, छोटा सा चूहा रहता था, उसका नाम था चूचू। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था जो बहुत बलवान था। नुकीले दांत, लंबी लंबी मूछें, गर्दन पे बड़े बड़े बाल थे, है ना, जानवर सब उससे डरते थे। क्यों डरते थे? कि वो इतना बलवान था कि जब भी उसे भूख लगती, उसकी इच्छा होती, वो एक जानवर को मार के या किसी भी जानवर को मारकर खा जाता था। तो सारे जानवर का डरना तो था ही, सभी जानवर डरते थे कहीं ऐसा ना हो शेर हमको मार के खा जाए। अब देखो क्या हुआ, एक दिन बहुत गर्मी थी, जैसे हमको भी अभी इन दिनों गर्मी का मौसम है, कितनी गर्मी लगती है ना दोपहर में, तो बहुत गर्मी थी। गर्मी के कारण सब परेशान थे। चूचू ने अपने बिल से झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। अब उसने, गर्मी तो लगी रही थी, उसने कहा देखूं निकल के बाहर कोई है या नहीं। उसने देखा बाहर कोई भी नहीं था। उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। चूचू अपने बिल से बाहर आया और पेड़ के नीचे हरा पत्ता ओढ़कर गहरी नींद में सो गया, क्योंकि उसने देखा था बाहर कोई नहीं है। तो उसने क्या करा, धीरे से बाहर आया, बहुत अच्छा मौका है, अच्छी ठंडी पेड़ की छाया है, पत्ता उठाया, हरा पत्ता उठाया, ओढ़ा और सो गया, क्योंकि चूहा तो छोटा सा होता है ना, ओढ़ के गहरी नींद के अंदर वो सो गया। कुछ देर बाद चूचू की जब आँख खुली तो पास ही शेर खड़ा था। शेर को देखते ही चूचू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर तो वो सो लिया, लेकिन जैसे ही उसने आँख खुली, जब उसकी नींद थोड़ी हुई, आँख खुली, तो उसने क्या देखा, मेरे पास तो कौन खड़ा है, एक शेर खड़ा है। अब शेर को देख के जैसे हम भी अगर हमारे पास आ जाए तो डर जाते ना, वैसे ही वो चूचू चूहा भी एकदम से डर गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मतलब एकदम से वो तो, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। एकदम से वो तो क्या हो गया, डर गया, है ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो गए, मतलब बहुत बुरी तरह से वो डर गया। जैसे ही वो बिल की ओर भागने लगा तो उसकी पूंछ शेर के पंजों के नीचे आ गई। अब उसने नज़र बचाई कि किसी तरह से चुपके से भाग के अपने बिल में चला जाऊं। तो लेकिन क्या हुआ, वो भागने तो लगा लेकिन उसकी जो पूंछ थी वो शेर के पंजे के नीचे दब गई। अब शेर ने क्या करा, चूचू की चीख निकल गई और शेर ने लपक कर चूचू की पूंछ को ज़ोर से पकड़ लिया और हवा के अंदर ज़ोर से उसको घुमा दिया। किसकी पूंछ को पकड़ कर, चूचू चूहे की पूंछ को पकड़ लिया और ज़ोर से हवा में उसको लहरा दिया और उससे क्या बोला, अच्छा तुम मुझसे बचकर भाग रहे थे, है ना, लेकिन तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, आज तो मैं तुमको ही मारकर खा जाऊंगा, आज तुमको मैं अपना भोजन बनाऊंगा। अब बेचारा छोटा सा चूहा, वो तो वैसे ही बहुत डरा हुआ था और डर गया, और डरते डरते क्या बोला, राजा जी मुझ पर आप दया कर दो, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, और मैं तो एक बहुत छोटा सा हूँ, नन्ना सा हूँ, यदि आप मुझे खा भी लेंगे तो आपकी भूख मुझ नहीं, मेरे को खाने से नहीं भरेगी, आपका पेट भी मुझे खाने से नहीं भरेगा। ये कौन कह रहा था, चूचू चूहा शेर से बोल रहा था, किस लिए, ताकि शेर उसको छोड़ दे। अब जब चूचू की बात सुनकर शेर को क्या हो गया, हंसी आ गई, वो बोला अरे
तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शेर को क्योंकि अपने शक्ति पे, अपने बलवान होने पे घमंड था, वो तो सबको अपने से छोटा समझता था, तो उसने कहा तुम तो एक छोटे से चूहे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मैं तुमको छोड़ देता हूँ, लो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनते तो चूचू चूहा जो था ना, उसकी तो जान में जान आ गई, उसने कहा हाँ चलो मैं तो छूट गया, और उसने शेर को बहुत दुआएं दी, हाथ जोड़े और सरपट वहाँ से भाग के अपने बिल में जाके छुप गया, कहीं कि ऐसा ना हो दोबारा से शेर मुझे पकड़ के खा जाए। अब क्या हुआ, एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए, उन्होंने जानवरों का शिकार करने के लिए एक बड़ा सा जाल बिछाया। कुछ देर बाद शेर वहाँ से निकला, वो शेर वह शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। अब क्या हुआ, शिकारी जो शिकार करते हैं ना, जंगली जानवरों को जाल बिछा देते हैं, जब जानवर अगर निकलते हैं उनको तो पता नहीं होता, निकलते हैं उस जाल में फंस जाते हैं। तो इसी तरह शिकारी थे, उन्होंने जंगल में जाल बिछाया हुआ था, तो जब शेर को कुछ पता नहीं था, शेर भी जब निकला तो उन शिकारियों के जाल में वो फंस गया। अब क्या हुआ, शेर तो फंस गया, अब कैसे निकले, वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। चूचू ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वरना महाराज इतनी ज़ोर से क्यों दहाड़ेंगे। उसने जब अपने शेर की आवाज़ सुनी, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे, तो उसे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो हमारे महाराज जो इतने बलवान हैं वो क्यों इस तरह से दहाड़ते। वह दौड़कर शेर के पास पहुंचा तो देखा शेर जाल में फंसा हुआ है। चूचू जल्दी जल्दी अपने पैने दांतों से शेर का जाल काटने लगा, थोड़ी देर में जाल कट गया और शेर जाल से छूट गया। कुछ देर बाद जब चूचू ने भाग के आया शेर के पास, जहाँ शेर जाल में फंसा था, उसने देखा शेर तो जाल में फंसा हुआ है, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने जल्दी से अपने नुकीले दांतों से जाल को जल्दी जल्दी जगह जगह से काटना शुरू करा। थोड़ी सी देर में उसने क्या करा, पूरा जाल काट दिया और शेर को उस फंसे हुए जाल में से आज़ाद कर दिया, मतलब शेर जाल से छूट गया। शेर ने तो चूचू की बहुत धन्यवाद किया, उसने शेर ने कहा तुम तो सचमुच में मेरे सच्चे मित्र हो, तुमने मेरी मुसीबत में मदद की है, सहायता की है, मुझे छुड़ाया है ना, इस तरह से उसने उसका बहुत धन्यवाद दिया और कहा आज तुमने मुझे जाल से छुड़ा कर मुझ पर उपकार किया है, तुम छोटे ज़रूर हो मगर बहुत समझदार हो। शेर ने चूचू चूहे से कहा तुमने आज मेरी जान बचाई है, इतना बड़ा उपकार किया है, भले तुम बहुत दिखने में छोटे हो है ना, लेकिन मुझसे ज़्यादा या बहुत ही समझदार हो, आज से तुम मेरे पक्के दोस्त हुए। जब शेर ने कहा आज से तूम मेरे पक्के दोस्त हो, तो चूचू चूहे ने पता है क्या कहा, उसने कहा मित्र के काम आना कोई उपकार नहीं, कि जब हम दोनों आपस में मित्र हो गए हैं, पक्के मित्र हैं, तो मित्र के काम आना कोई उपकार नहीं होता। अब शेर और चूहा, जो चूचू चूहा था, दोनों ही बहुत प्रसन्न थे, यानी कि बहुत ही खुश थे। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीखने को मिलता है, कभी भी हमें अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को अपने से छोटा या नीचा नहीं समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। आशा करती हूँ इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बाय।